हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंजलि ब्लॉग बरुआ चैनल में आप सबको वेलकम करती हूँ। और अभी तो इवनिंग का 5:30 हो गया है, आज मैं इतना देर से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और गुड इवनिंग टू ऑल। और आज तो बहुत धूप निकला हुआ था, इतना गर्मी था, बहुत गर्मी है। आज तो मंडे है और हमने मैं आज सुबह से ब्लॉग नहीं बनाया और कुछ खास भी ऐसे मतलब लंच नहीं बनाया है, क्योंकि आज तो हम भेज ही खाते हैं और पूरा इतना गर्मी है और मेरा ब्लॉग भी नहीं बनाया हुआ आज सुबह से, मतलब ब्लॉग ही शुरू नहीं किया था और अब मैं ब्लॉग को शुरू कर दिया हूँ। और मैं आज कहाँ से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, आप लोग देखिए, मैं साथ के ऊपर बैठ के ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और मैं हर दिन के घर के अंदर बैठ के आप लोग से बात करती हूँ। आज मैं सोचा क्यों ना साथ के ऊपर, आप भी बहुत गर्मी भी लगा और मैं साथ से इसे बैठने के लिए आ गई थी, मैं सोचा क्यों ना ब्लॉग को ही इधर से ही शुरू कर दिया जाए। आज मैं इवनिंग से आप लोग को डिनर और रात को डिनर रूटीन भी आप लोग के शेयर करने वाली हूँ। हर दिन मैं मतलब चिकन हो, मछली हो, जो भी मैं बनाती हूँ, आज तो भेज बनाऊँगी। और भेज में मैं क्या क्या बनाती हूँ, आज मैं क्या बनाऊँगी, आज मंडे तो हम लोग भेज ही खाती हूँ, यही रूटीन आप लोग के साथ रात को शेयर करने वाली हूँ। इसीलिए मैं सोचा इवनिंग से ही आप ब्लॉग को शुरू किया दिया जाए, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। और क्या क्या बनाऊँगी आज, एक चटनी भी बनाऊँगी, वही भी रेसिपी डालूँगी मैं। और मैं अभी इवनिंग से पूरा 5:30 से अभी से मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और अभी से मैं क्या क्या करूँगी सबको इवनिंग साई में, आज मैं क्या बनाऊंगी, आज तो लाइट छाई कुछ ना कुछ बनाऊंगी और सब भी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। और इतना अच्छा लग रहा है बाहर, पूरा एसी जैसा लग रहा है क्योंकि हवा चल रही है, अभी तो धूप नहीं है, धूप तो चला गया है। और इसीलिए मैं साथ के ऊपर आ गई हूँ, साथ में कपड़ा भी लेके जाऊँगी और इतना अच्छा लग रहा है, हवा भी चल रहा है पीछे से, मैं आप लोग से बैठ के मैं बात भी कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है नेचुरल वाला जो एसी है यही लग रहा है। और पूरा हवा आ रहा है, आप लोग से बातें करके मज़ा लग अच्छा भी लग रहा है, अंदर तो ऐसे गर्मी है ये है। और मैं सोचा क्यों ना आज इसी से ब्लॉग शुरू कर दिया जाए। और मैं हमारा जो घर की साथ का पीछे साइड है, पीछे साइड से मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और आप लोग का पीछे के साइड अलग से ही नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। और पीछे से हमारा बोगी भी है, जो पेट है वो भी बैठा है और सोचा मैं क्या कर रही हूँ। और ठीक है, मैंने आप लोग से बात कर लिया है और अभी ठीक है, मैं अभी कपड़ा वगैरह लेके जाऊंगी और बाद में मिलती हूँ मैं आप लोग से। अभी साथ में मैं थोड़ा सा रहूँगी और हवा का मज़ा लूँगी, नेचुरल हवा का मज़ा लूँगी। और थोड़ा बैठने के बाद जब अंधेरा हो जाएगा तभी मैं अंदर जाऊँगी, अंदर जाके क्या क्या करती हूँ और क्या क्या नहीं करती हूँ सब लोग आपसे मैं हर दिन शेयर करती ही हूँ। और मेरे साथ बनते रहिए, आगे तक मेरा ब्लॉग देखते रहिए। ठीक है, बाद में मिलती हूँ मैं आप लोग से। बैठे बैठे मैं बोर हो गया था और फिर क्या कहा, मैंने थोड़ा वॉकिंग कर लिया है। और आज से गुवाहाटी में 8 तारीख से पूरा खुल गया है, लॉकडाउन खुल ही गया है और इतना बाहर लुक आ गया है जैसे कोरोना वायरस चला ही गया है। हमारा मैं रोड के नीचे बात कर ऊपर साथ पे बात कर रही हूँ अपना, मैं इतना देर से मतलब वीडियो बनाने के लिए इंतज़ार कर रही हूँ, इतना बाइक गाड़ी कार स्कूटर कितना एक के बाद ऐसा लग रहा है पूरा खुल तो गया है, काम नहीं होने से बाहर नहीं जाना चाहिए। कोरोना वायरस अभी तक तो मतलब अच्छी तरह से ठीक नहीं हुआ है, खुल दिया मतलब यही नहीं सब बाहर चला जाए कोई काम नहीं होने से भी, ऐसा करना ठीक बात नहीं है। पता नहीं और लोगों को कौन समझाए। और अभी ऊपर अभी अंधेरा ही होने वाला है, गर्म भी हो गया है और हवा भी चला गया है। ठीक है, अभी मैं अंदर जाती हूँ, बाद में मिलती हूँ आप लोग से। और अभी इवनिंग हो गया है, मैं साई के साथ खाने के लिए कुछ बनाती हूँ और सूजी का बर्फी बनाऊँगी, इतना गर्मी है जल्दी भी हो जाएगा और कुछ मतलब ही बनाऊंगी। इसके लिए मैं 2 कढ़ाई को गैस पे सरा के रखा हूँ, एक में मैं शुगर सिरप बनाऊंगी, इसके लिए मैंने 1 कप की लगभग शुगर ले लिया है और इसमें अभी मैं पानी डाल दूँगी। और ये देखिए, और पानी डाल के इसको इसी तरह मिला के मैं सिरप बना लूँगी इसको। और दूसरी में भी मैं कढ़ाई को मैंने पेटिया के रखा है, इसमें मैं ऑयल डाल दूंगी इतना सा।
ऑयल डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा घी भी डालूंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालूंगी, इतना सा डालूंगी घी। इसको अभी मैं मिला लूंगी और मैं सिंपल सा ऐसे बनाऊंगी सूजी का बर्फी। इसमें मैं डाल लूंगी सूजी, और गैस को आप लोग लो में रखिएगा, गैस को हाई मत कीजिएगा। और इसी तरह सूजी डाल के मैं मिलाते जाऊंगी, और इतना सा है लगभग एक कप डेढ़ कप, एक कप की होगा सूजी। इसको मैं अभी लो फ्लेम में इसी तरह जब तक ब्राउन कलर नहीं हो जाएगा तब तक मैं इसको भूनते रहूँगी। और सुगा सिरप में मैं थोड़ा सा अभी कलर भी मिलाने वाली थी लेकिन नहीं मिलाऊंगी, और इसको अभी अब जब तक ब्राउन कलर ब्राउन नहीं हो जाएगा लो फ्लेम में इसको इसी तरह मैं मिलाते ही रहूँगी। और सुगा सिरप में मैं अभी ऑरेंज कलर डाल लूँगी बर्फी, और ये देखिए मैंने डाला है, डाला नहीं थोड़ा सा डालने से भी हो जाएगा और बर्फी कलरफुल बनेगा मेरा। और ये शुगर तो घूल क्या है, अभी मैं इस ये भी लो फ्लेम में होते रहेगा, इसको भी मैं ऐसे भूनते भूनते ब्राउन कलर तक मैं भूनते ही रहूँगी। और देखिए ब्राउन कलर हो गया है, मैंने 10 मिनट तक इसी तरह मिलाते ही रही। और इसमें मैं जो शुगर सिरप बनाया है अभी इसमें डाल दूँगी मैं धीरे धीरे करके। और लो में कीजिएगा, मैं लो में किया हूँ, और भी डालना पड़ेगा धीरे धीरे करके। और ये देखिए इसको मैं अभी इसी तरह मिला लूँगी, और एक प्लेट में मैं अभी आप लोग देखते रहिए मैं और क्या क्या करती हूँ। और इसको मैं अभी घी लेके इसको अच्छी तरह से लगा लूँगी, और इसे मैं घर में खाने के लिए बनाया हूँ, और इसे अच्छी तरह से लगा दूँगी इसी तरह घी से, और फिर इसको मैं ले लूँगी इधर। ज़्यादा नहीं बनाया हूँ, कितना होगा पता नहीं, पहले ले लेती हूँ। अभी इसको मैं अच्छी तरह से साइड में देखना, बड़ा ले लिया है मैंने और इसी तरह इसको करना है, ज़्यादा नहीं निकलेगा। इसको ऊपर मैं अभी काट दूंगी बादाम, और इसके ऊपर मैं अभी बादाम को जो मैंने काट के लिया है इसको ऊपर डाल दूंगी, ज़्यादा नहीं, सार ही निकालूंगी मैं इससे। और इतना गर्मी भी लगा है आज, बहुत गर्मी है, और इसीलिए मैं इसको ऊपर अभी इसी तरह इसको चिपका दूंगी, और 5 मिनट बाद इसको कट कर लूँगी। आज तो बहुत गर्मी है और कुछ खाने का भी मन नहीं किया है, इसलिए मैंने सूजी का बर्फी बनाया है, और ज़्यादा नहीं बनाया है, अभी साए तो खाने का मन नहीं है, नमकीन है, नमकीन के साथ ये खा लूँगी। और अभी मैं इसको कटिंग करूँगी, देखिए ज़्यादा नहीं मैंने बनाया है, छोटा छोटा करके कटिंग कर दूँगी, और इतना भी बड़ा बड़ा नहीं करूँगी। और ये है मेरा बर्फी रेडी हो गया है, इसको मैं अभी उठा के लेके आऊँगी इस पीस में। देखिए ये है सूजी का बर्फी बनाया है मैंने, और इतना गर्मी है जल्दा जल्दी में बना दिया है और खा भी लिया है, और मैं इसे आप लोग को दिखाने के लिए प्लेट में सजाया हूँ सार्थ को, और इतना अच्छा भी अच्छा ही बना है, फिर भी मैं एक दिन अच्छी तरह से बना के दिखाऊंगी। आज तो इतना गर्मी भी है, हमने खा भी लिया है, और ऐसे बना है मेरा सूजी का बर्फी। बस गया है, अभी डिनर बनाने का टाइम हो गया है,
और आज मैं बनाऊंगी मसूर का दाल काला चना फ्राई करूंगी और सोयाबीन का करी बनाऊंगी, ग्रेवी टाइप बनाऊंगी और तिल का चटनी मम्मी जी बनाएगा। आज भेज ही बनाऊंगी इसलिए, और इतना गर्मी है और कुछ बनाने का, मैं सोचा और एक सब्जी बना लूँ लेकिन मेरा हिम्मत नहीं और बनाने का। अभी मैं अदरक और अनियन सब कुछ काट के लिया है, अभी किचन में जाके एक एक के मैं बनाऊंगी। और ठीक है, आप लोग देखते रहिए, मैं पूरा रेसिपी नहीं डालूंगी, मैं सिर्फ चटनी का रेसिपी पूरा डालूंगी और ये जो कुछ बनाऊंगी थोड़ा थोड़ा ही दिखा दूंगी, क्योंकि दाल सभी को आता है। सोयाबीन का सब्जी पहले से ही मैं एक वीडियो डाला हुआ है और इसी तरह काला चना तो सब फ्राई करना सबको आता ही है, और ये भी थोड़ा थोड़ा करके दिखा दूंगी और तिल का चटनी पूरा दिखाऊंगी कैसे बनाती हूँ। और ठीक है, मेरे साथ बनते रहिए और देखते रहिए आज मैं डिनर में क्या क्या बनाती हूँ। बनाऊंगी इसके लिए मैंने दाल ले लिया है और ये लिखिए सूखा मिर्च और ग्रीन चिली ले लिया है और अनियन ले लिया है काट के, और इसमें सोयाबीन ले लिया है, इसको मैं गर्म पानी डाल के गर्म पानी में भिगा कर रखूंगी बनाने के लिए। और ये अदरक लहसुन का मैं पेस्ट बना के लेके आया, अदरक लहसुन और अनियन का पेस्ट बना के लेके आऊँगी। और अभी मैं कुकर में तेल डाल लूँगी और तेल को थोड़ा गर्म होने के लिए रखूंगी। होने के बाद तेल और गर्म होने के बाद अभी मैं इसमें पाँच फोरन डालूंगी और सूखा मिर्ची डालूंगी, और इसी तरह दाल को मैं पहले दिखाया था दाल को बना लूंगी। और दाल बन गया है, अभी मैं काला चना को बॉईल करके लिया था, पानी पूरा सूख गया है, इसी तरह सूखा लेना चाहिए। और पानी सूख गया, इसको मैं अभी फ्राई करूंगी। फ्राई करने से पहले मैं अभी ये सोयाबीन को बनाऊंगी, इसके लिए मैं पेस्ट बना के लेके आई हूँ और कैसे बनाती हूँ देखते रहिए। और चावल भी मेरा हो गया है, दाल भी मेरा हो गया है, पहले मैं अभी काला चना को इसी तरह मैं काला चना को फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करने के बाद मैं सोयाबीन बनाऊंगी। और काला चना को क्या है, इसे तेल डालना है, तेल को गर्म करना है, करने के बाद अनियन देना है, इसको काट के इसी तरह फ्राई कर लूंगी मैं। अनियन डाल दिया है मैं, इसी तरह ही मैं बनाऊंगी मैं, और थोड़ा पकने के लिए दूंगी अनियन को, और थोड़ा पक चुका है और इतना गर्मी लगा है क्या बोलूं मैं, बहुत और अभी मैं इसको डालूंगी और इतना गर्मी है, बहुत गर्मी है। और मैं देखिए ऐसे फैन को इधर चला के ही बना रही हूँ, लेकिन इसमें गैस में तो जैसे हवा लगता है इसलिए मैं ऑफ करती हूँ, बनाती हूँ फिर फैन लेती हूँ। इसी तरह आज बना रही हूँ मैं किचन में, और गर्मी पड़ने से किचन में बनाने की बहुत दिक्कत होता है, और फिर भी बनाना तो पड़ेगा ही, खाना तो पड़ेगा ही। और अभी मैं जल्दी जल्दी करके खाना को पका लेती हूँ, और देखिए मेरा हालत पसीना पसीना हो रहा है। आज तो थोड़ा शाम के टाइम में हवा चला था, फिर से हवा भी नहीं आया है, अभी मैं खिड़की को खुला रखा हूँ फिर भी हवा नहीं आया है। मैं इसको अभी फ्राई कर लेती हूँ, इसके बाद बनाऊंगी सोयाबीन। अभी मैं सोयाबीन को फ्राई कर रही हूँ, और मैं आलू को भी मैंने पहले ही फ्राई कर लिया है, मैंने दिखाया नहीं है। और फिर सोयाबीन कैसे बनाती हूँ मैं आप लोग को साथ, अभी ये भी रेसिपी जैसा ही होगा, आप लोग भी इसी तरह बनाएगा। और ये देखिए मैंने पूरा फ्राई कर लिया है, ये छोटा छोटा वाला सोयाबीन है, और फ्राई करने में ज़्यादा देर नहीं लगता है, लगभग फ्राई हो ही गया है, और खाने में भी बहुत अच्छा है ये सोयाबीन। और अभी आलू के साथ ही रख दूंगी, आलू को मैंने पहले ही फ्राई करके रखा है, और अभी सोयाबीन हो ही जाएगा जल्दा जल्दी में। गर्मी है तो क्या हुआ, खाने के लिए तो गर्मी को भी हजम करना पड़ेगा। और इसमें मैं अभी थोड़ा ऑयल और डाल लूँगी, ऑयल इतना सा। और इसमें मैं अभी जीरा डाल दूँगी, सूखा मिर्च डाल दूँगी, और थोड़ा पक गया है इसको पकने के लिए मैं मिला दूँगी, थोड़ा पकने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी। और ये पेस्ट जो बना के लेके आया, अदरक लहसुन ऑनियन और ग्रीन चिली का, और अभी इसको मैं मिला दूँगी।
और इसी तरह मिला मिला के इसको थोड़ा पका लूँगी, एक मिनट के लिए ही इसे मिला लूँगी। और थोड़ा पकने के मसाला अच्छी तरह से पकने चाहिए, तभी तो जो काली का खाने में ग्रेवी अच्छा लगता है, नहीं तो जो लहसुन का जो स्मेल है आ जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरा घर का किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। और अभी मैं इसको इसमें अभी मसाला डाल दूँगी पास में ही, मसाला देने के बाद पकाऊंगी मैं इसको। और इसमें मैं अभी डालूंगी मिर्ची पाउडर, ज़्यादा नहीं दूंगी, गर्मी भी बहुत है। और इसमें अभी हल्दी पाउडर, चार चार सभी मसाला डाल दूंगी मैं। हल्दी पाउडर डाला है और अभी धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालूंगी मैं। और इसमें जीरा पाउडर डाल दूंगी और गरम मसाला मैं लास्ट में डालूंगी। और इसको अभी मैं मिला दूंगी। और मिलाने के बाद इसमें मैं नमक, जो बिलाही मैंने पेस्ट करके लेके आई हूँ, सॉरी मेरा आसामीज में आ गया था, टमेटो जो पेस्ट करके लेके आई थी, आसामीज में बोलते हैं तो आसामीज में आ जाता है इसीलिए सॉरी। और टमाटर डाल दिया है, टमाटर डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी नमक, तभी जल्दी ही मसाला पकाएगा। और जब तक मसाला को मैं अच्छी तरह से मैं देखिए लो में पूरा पका लूँगी, अभी ढक्कन रख के बीच बीच में मैं देखूँगी दो तीन बार, और मसाला पकने दे दूँगी, उसकी बाद में दिखा दूँगी। और देखिए मसाला से तेल निकल आया है, बीच बीच में मैं दिखा था एक दो बार, और मसाला पक ही गया है। और अभी इसमें मैं डाल दूँगी सोयाबीन और आलू को। मैंने लगभग 5 मिनट तक मसाला को पका लिया है अभी, और 2-1 मिनट इसी तरह मैं पका लूँगी। और इसको मैं अभी पका लेती हूँ थोड़ा सा, और पानी डाल दूँगी। मैं ग्रेवी टाइप ही बनाऊँगी, दाल बनाया है। और इसको थोड़ा पकने के बाद गरम मसाला डाल के इसको हटा के रख दूँगी। और फिर मेरा और एक बनाना बाकी है, जो तिल का चटनी मामी जी बनाएगा, इसका पूरा रेसिपी डाल दूँगी मैं। और मेरा लगभग डिनर रेडी ही हो गया है, अभी बटन धोना है। अभी ये देखिए बटन को धो लेती हूँ मैं, और मेरा हालत भी पूरा ख़राब हो गया है, पूरा मेरा पसीना पसीना हो गया है। मैं नहा लूँगी खाना बनाने के बाद, और कितना गर्मी है बाप रे। और फिर बाद में मिलती हूँ मैं आप लोग से। मम्मी जी बनाएगा तिल का चटनी, मेरा तो डिनर पूरा हो गया है। और ये तिल ले लिया है, इसको अभी कढ़ाई में थोड़ा सा फ्राई कर लेगी, थोड़ा गरम कर लेगी। और इसमें काला चना ले लिया है, और धनिया का पत्ता ले लिया है, साथ में ये लहसुन और ये ग्रीन चिली ले लिया है। और कैसे बनाते हैं ये चटनी आप लोग देखते रहिए, और खाने में कितना टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी होता है। और अभी कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें अभी मम्मी जी तेल को डाल तिल को दे देगी। और गर्मी में क्या क्या निकला है पता नहीं, और इतना गर्मी है, बहुत गर्मी है आज। और ये देखिए तिल, आप लोग को तिल जानते ही है सबको, ये तिल को अभी थोड़ा देर के लिए फ्राई कर लेगी। और ये देखिए 1 मिनट तक ये ऐसे फ्राई कर लेगी, जब तक ये फूट नहीं आएगा, फटफट के जब फूट जाएगा तभी इसको उतार कर रख देगी, ठंडा कर लेगी। फ्राई कर लिया है, अभी इसको काला चना को भी फ्राई कर लेगी। और देखिए तिल फ्राई हो गया है, काला चना को भी फ्राई कर लेगी। अभी इसको ग्राइंड करेगी, इसके लिए पहले और इसमें धनिया का पत्ता को काट कर देगी इसी तरह। और ये काला चना और तिल को भी दे दिया है साथ में, दोनों को अलग अलग से फ्राई कर लिया है। और इसमें अभी ग्रीन चिली और लहसुन को भी दे देगी, और देने के बाद इसको ग्राइंड कर थोड़ा नमक देगी। थोड़ा सा पानी भी डाल देगी, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा। और अब इसको अभी ग्राइंड करके लेके आएंगे, बस हो गया है चटनी। और मेरा डिनर रेडी हो गया है, और ये है मसूर का दाल मैं बनाया हूँ, उसका दाल फ्राई जैसे ही हो गया है। और इसमें ये काला चना का फ्राई, और ये है बनाया मैंने सोयाबीन का ग्रेवी बनाया है, और ये तिल का चटनी।
और देखिए ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, आप लोग भी बनाइएगा, घर में खाइएगा। और मामी जी मैंने बनाया है ये साथ में, और दोनों का हालत देखिए पूरा ख़राब है, और इतना गर्मी पड़ा है कि आप मैं तो एकदम पूरा पसीना पसीना। अभी मैं नहाने के लिए जाऊँगी, नहा लूँगा फिर सके ही खाना खाऊँगी। और मामी जी आप सबको हाय बोल लीजिएगा, और मामी जी ने सबको हाय बोलना है, आप सबको मामी जी की तरफ से हाय बोल दिया है। और आज का ब्लॉग, आज का मैंने डिनर मंडे वेज डिनर रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। मैंने और एक सब्जी बनाने वाली थी लेकिन नहीं बनाऊंगी, हिम्मत नहीं है अभी बनाने की, बहुत गर्मी है। आज का ब्लॉग देख के आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जो भी पहली बार मेरा चैनल देखा है। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देने से जो भी ब्लॉग डालोगे नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। फिर मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट बोल दीजिएगा मम्मी जी भी, गुड नाइट, और मम्मी जी ने भी गुड नाइट बोल दिया है। फिर मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ गुड नाइट, टेक